बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो उसका नाम है एग रोल। इसको मैंने टू स्टेप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप है उसकी बेस और सेकेंड स्टेप है उसका ऑमलेट। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जो एक बैटर बनाना है उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आइए देख लेते हैं। एक कप से थोड़ा सा कम मैंने मैदा लिया, एक कप दूध लिया, 1/4 टीस्पून नमक है, 1 अदद अंडा और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम अंडा लेंगे। इसको मैंने तोड़ लिया, मैंने अंडे को बीट कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। दूध में 1/2 कप पहले डालूंगी और इसको दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी अंडे को। इसके बाद मैं डालूंगी मैदा। मैदे की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके साथ मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक डालूँगी, सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो जो बाकी का 1/2 कप दूध है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगी अंदर। बाकी भी डाल दूंगी। तो अब मैं इसको अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लूंगी। मैंने दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। और अगर आपका थोड़ा सा बैटर पतला हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिए। अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आइए हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो क्रेप रोल का सेकंड स्टेप है उसके लिए हमें ऑमलेट तैयार करना है। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए आइए देख लेते हैं। दो मैंने अंडे लिए हैं, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप कुटा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 स्मॉल प्याज लिया इसको मैंने चॉप कर लिया, 1 टीस्पून अदरक चॉप की हुई, 1 हरी मिर्च ली है इसको मैंने चॉप कर लिया और 1 चम्मच मैंने लिया हरा धनिया चॉप किया। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं दोनों अंडे डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे मैंने फेंट लिए। अब इसके बाद मैं डालूँगी लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर डालूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी नमक, ये भी 1/2 टीस्पून डालूँगी। काली मिर्चों का पाउडर सेम 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, प्याज। तो आप इसमें अपनी पसंद की वेजिस भी डाल सकते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया। अब हम कुकिंग के स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। तो मैंने इसके ऊपर फ्राई पैन रखा नॉन स्टिक का। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, 1 टेबल स्पून ऑयल। अच्छे से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। बैटर लेंगे। मैंने इस तरह का आइसक्रीम स्कूप लिया तो मैं 1/2 बैटर इसके साथ इसके मदद से मैं इसमें डाल दूंगी। 1/2 बैटर डालूंगी, यानी कि ये 4 स्कूप है तो मैं 2 स्कूप्स डाल दूंगी इसमें। तो डाल के इसको मैं अच्छे से फिला दूंगी। तो आफ्टर 1 मिनट ये थोड़ा सा हो गया कुक। तो इसका जो लिक्विड है थोड़ा सा ड्राई हो गया ऊपर से। इस स्टेज पे हम इसके ऊपर मैं 1/2 अंडे का जो बैटर मिक्सचर है वो लगा दूंगी। इसको सारा स्प्रेड कर लूंगी, 1/2 लगाऊंगी इसके ऊपर। तो मैंने सारा ये देखिए इसके ऊपर लगा दिया।
इसके ऊपर अंडा डाल दिया है सारा, तो अंडे को हमने तब तक इसके ऊपर साइड चेंज नहीं करनी जब तक अंडा ऊपर से कुक नहीं हो जाता, मतलब अंडे का लिक्विड है वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने साइड चेंज नहीं करनी। तो ये ऊपर से कुक हो गया, मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसको मैं नीचे से तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो ये अच्छे से हो गया, ये देखें दूसरी साइड से भी कुक हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरा रेडी करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये क्रेप रोल्स को बना के डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव होगा। तो आज की मेरी बात, अपने घरों तक महदूद रहें और कोरोना से महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।